यार मददगार का आज का जो ये प्रोग्राम है 10,000 पौधों को गिफ्ट करने का, ये 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस हैं, ये उसका हिस्सा है। और आज हम 10,000 पौधा गिफ्ट कर रहे हैं, इसके अलावा हम परिंदों के घोंसले, ये तमाम चीजों को करने का मकसद ये है कि हमने अपने गुजरांवालों को ग्रीन और क्लीन बनाना है और इसकी जो अमली कोशिश है वो करनी है हमने। मैं तमाम गुजरांवाला के दोस्तों से ये कहना चाहूंगा, बाहर निकलें यार, अगस्त है, ये ग्रीन अगस्त है, इसमें पौधे लगाएं और कुछ ऐसा करें कि मैं फूल शजरकारी, यानी एक मैं जब देखता हूँ थोड़ा सा होता है कि आप फोटो जरूर बनवाएं, ठीक है, लेकिन आप उसको एक महफूज शजरकारी के तौर पे ऊपर आप उसको कवर करें, उसको पानी दें, उसकी हिफाजत करें पौधे की। ये पौधों को दरख्त बनाना काम है, ये पौधा लगाना कोई काम नहीं है। कोई भी 10-20-100-50 रुपए का पौधा लगा देगा। तो मैं ये अपने पूरे सारे पाकिस्तानियों को, खासकर गुजरांवाला के दोस्तों को कहना चाहूंगा कि यार आए और दरख्त बनाए, पौधा भी लगाए लेकिन पौधे से दरख्त बनाना है हमने। और हम अपने गुजरांवाला को, यानी मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपने गुजरांवाला को ग्रीन और क्लीन कर लिया तो ये यानी हमारी नस्लों के लिए ये बड़ा जबरदस्त एक काम होगा। और यहाँ पे यानी हम ये चाहते हैं कि गुजरांवाला में जीरो कार्बन पे लेके आए, यहाँ पे परिंदे हो, यहाँ पे बुलबुल हो हमारी, यहाँ पे कोयल कूके, तो वो इसी तरह मुमकिन है अगर हम दरख्त लगाएंगे तो। इंशाल्लाह जी, ये ग्रीन और क्लीन करने में गुजरांवाला को हम इंशाल्लाह, हमारे बच्चे वॉलंटियर्स इंशाल्लाह साथ हैं और इंशाल्लाह हम करके। हम यार मददगार के ग्रीन वॉलंटियर्स जो हैं वो 10,000 प्लांट्स हैं अपने गुजरांवाला के लोगों में फ्री गिफ्ट कर रहे हैं ताकि हमारा पाकिस्तान जो है वो ग्रीन और क्लीन हो सके, सरसब्ज शादाब हो सके, ठीक है। उसके अलावा हमने ये नेस्ट तैयार किए हैं, हम सबने किए हैं ताकि हम ब्रिज के नीचे लगाएं ताकि जो हमारे मुल्क के आजाद परिंदे जो है वो इनमें आकर रह सके, इनमें आकर बस सके और हमारा पाकिस्तान जो है वो ग्रीन एंड क्लीन हो सके। हम अपनी सोसाइटी को दुनिया की नंबर 1 सोसाइटी बनाना चाहते हैं ताकि इस सारे काम से हमारे पाकिस्तान में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग यार मददगार के वॉलंटियर्स हैं और हम लोग 10,000 प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट लोगों में करने आए हैं ताकि हम पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन बना सकें। जैसे हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं उसी तरह हमें अपने पौधों की भी हिफाजत करनी है ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो वो हमारी हिफाजत कर सकें। मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है कि हमने पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाना है, पाकिस्तान को हमने आगे लेके चलना है और पाकिस्तान को इस काबिल बनाना है कि वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए आज से बेहतर हालत में हो। तो उसके लिए जहां पे सोसाइटी के हर सेक्शन को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है, वहीं पे यार मददगार जिस तरीके से मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना रोल प्ले कर रहा है उसके लिए ये इनकी काबिशें लायक तहसीन है। और जिस तरीके से ये लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को, नौजवानों को साथ लेके ये मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस के जो इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हमारी ना सिर्फ आने वाली नस्लों को एजुकेट कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए ये अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और हम तमाम सरकारी
नीम सरकारी और गैर सरकारी इदारों को इस जिमन में इनका दस्तो बाजू बनना चाहिए। मेरी तमाम दुआएं नेखा शाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए यार मददगार की सारी टीम का कि उन्होंने लोगों को उस पोजीशन में पौधे दे रहे हैं कि उनको उसकी देखभाल कम करनी पड़ेगी। अब जब ये ऑन गोइंग पौधे हैं, इनको इनकी रनिंग हो गई हुई है, इनकी उस ये उस पीरियड से गुजर गए हुए हैं कि जब ये ज़ाया होते हैं और इनमें से जब ये इतनी मेहनत की है इन्होंने। हमारा जो गुजरांवाला है यहाँ पे एयर पोल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और हम जिस किस्म की एयर क्वालिटी में हम जिंदा रह रहे हैं वो इंतहाई नाकस है और जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बीमारियाँ फैल रही हैं। ये इस किस्म की जो मुहिम है ये अवेयरनेस के लिए है कि लोग खुद जाती तौर पे भी फैलाएं कि अपने घरों में, लॉन्स में और अपने छतों पे पौधे लगाएं, ग्रीन करें। आपका बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं जो है सिर्फ एक बात कहूंगा कि ख्वाजा रिजवान साहब जो यार मददगार का जो यहाँ पे एनजीओ एक सिलसिला बनाया हुआ है इन्होंने, रोटी बैंक का भी, और अब जो एक कैंपेन इन्होंने सरसब्ज और शादाब गुजरांवाला की कैंपेन शुरू की है, मुझे इंतहाई दिली खुशी है इस हवाले से कि इस तरह की जो शख्सियात हैं जो कि बेलौस खिदमत कर रही हैं अपनी आवाम की, इनकी हमें चाहिए कि इनकी भरपूर जो है मुआवनत करें और इनको अप्रिशिएट करें। मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ एक मकसद है कि जो लोग रिफाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उनका हमें हाथ बटाना चाहिए। और आज ये जो कैंपेन है आप देखें यहाँ पे कसीर तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें हर तरह के जो है कैटेगरीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हमारी माशाल्लाह ख्वातीन हैं जो कि उनका हाथ बटा रही हैं। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह इन्होंने आज 10,000 पौधा तकसीम करना है, हमारे जो रिफाई लोग हैं जो कि जेनरस हैं और सखी हैं उनको चाहिए कि सरसब्ज़ शादाब जो गुजरांवाला की कैंपेन है उसमें इनका साथ दें। मैं लास्ट पे फिर जो है ख्वाजा रिजवान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह की कामयाब कैंपेन उन्होंने गुजरांवाला के लिए चलाई। अल्लाह ताला पाकिस्तान का गुजरांवाला का हामी नासर हो जाए। जी बिल्कुल वैलिड है। मैं यहाँ पे अपनी बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन इसलिए कर रहा हूँ कि सब लोगों को एक अवेयरनेस मिले। ये बेसिकली अदारों का काम है और सॉरी टू से मैं ये बेलाग बात करने वाला हूँ, मेरे बारे में सब जानते हैं कि ये अदारों का काम है जो कि लोगों को करना पड़ रहा है। अदारे तकवियत बने, अदारे तकवियत बने, अदारों के पास रिसोर्सेज होते हैं, अदारों के पास मैन पावर होती है। अगर इस तरह के लोगों का साथ देंगे तो मजीद बेहतरी है हमारी कम्युनिटी के लिए।